चारकोप से प्रत्याशी फारूक खान हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक जी, आप यहाँ की जनता के बीच रहे हैं, ये नहीं कि आप कहीं दूसरी जगह से और आपको एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उठा के लाया गया हो, आप यहाँ के बीच रहे हैं, आप यहाँ के रहीवासी हैं, तो महिलाओं के लिए किस तरह की आपकी सोच है, महिलाओं के लिए आज अभी तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं? मेरी माँ बहन लोगों के लिए मैंने बहुत काम किया है, जैसे कि मोदी सरकार आने के बाद देख रही हो रोजगार का क्या हालत है। तो मेरा एक मित्र है खालिद सिद्दीकी, महिला बचत गढ़, तो उनसे हमने राय मशवरा किया कि यार लेडीज़ लोगों के लिए कुछ काम ऐसा होगा। फिर इन्होंने कुछ बीएमसी या कैसा कैसा करके एक थैली का वो एक लाए, फिर हमारे एरिया में जितनी लेडीज़ हैं सबसे मैंने बात किया कि आप घर में बैठ के काम, आपका काम घर काम ख़त्म होने का तो फ्री बैठती हो, तो क्यों ना एक थैली का काम लाता हूँ जो अपनी घर पर मशीन में सी हो और उसको खालिद भाई मॉल में इधर उधर सेल करके आपका जो बनता है वो दे देगा। तो पहले एक 10-20 लेडीज़ की, फिर वो बहुत जमने लगा सबको, 150-200 रुपया पर डे घर का काम करने के बाद, बच्चे भी सब काम करने के बाद जो टाइम थोड़ा मिलता है उसमें उन्होंने वो थैली सिलने का काम किया और फिर अभी तक 200-250 लेडीज़ वो काम कर रही है। फारूक जी, आपकी जो एक सोच थी और उस सोच के साथ महिलाएं आज कार्य कर रही हैं और जो आपकी शुरुआत हुई थी थोड़े 10-20 लोगों से, आज वो 200-250 लोगों तक पहुंच गई हैं, तो क्या लगता है आगे भी अगर महिलाओं को ज़रूरत है, महिलाएं अगर कार्य करना चाहती हैं तो उसके लिए आप तैयार हैं उन्हें रोजगार देने? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, जैसे पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया, मैं बार बार बोलता हूँ अगर मेरे जनता भी मुझे एक बार मौका देगी तो इंशाल्लाह मैं लेडीज़ लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे काम लाऊँगा जो घर बैठे बैठे अच्छा काम कर सके हो। और मैं जीतू या हारू, बाकी मेरा काम हमेशा जाहिर शुरू रहेगा और मैं हमेशा ऐसा काम करता रहूँगा। आपने महिलाओं के लिए काम किया लेकिन महिलाओं का वो विश्वास आप पे दिख रहा है जिसकी वजह से वो रैली में आपके साथ मौजूद होती हैं, तो इस रोजगार के अलावा और क्या रोड मैप है, जैसे महिला की सुरक्षा की बात की जाए और भी बातें होती हैं जिनको लेकर, तो उस पर आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? महिलाओं का सुरक्षा तो होना ही चाहिए और वो जैसा कानून होता है वैसा हम लागू करेंगे। और रही बात ऐसा, हमारे इस्लाम कंपाउंड में नशा का बहुत चल रहा है आजकल और ऐसा रहे आया हुआ है, तो ये सब चीज़ में हम काम करेंगे। बहन मायावती की तरफ से किस तरह की सोच है उनकी, किस विचारधारा को आप ध्यान में रखते हैं, इस चुनाव मैदान में है तो किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं, उनकी कौन सी लाइन है जो हमेशा आपके जहन में होती है? बहन जी दो बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को पता है चार बार बनी है, तो जैसे कि वो क्राइम मुक्त यूपी उत्तर भारत हो जाता है अगर यहाँ पे जितने सीट उन्होंने खड़ा किया उसमें से 50। अच्छा खालिद जी, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से आप, जिस तरह से अगर हम बात करें फारूक जी के साथ खड़े हैं तो उनके कार्यों के अगर हम बात करें तो किस तरह के कार्य उनके आप देखते आ रहे हैं? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ मेरा नाम खालिद सिद्दीकी है और सत्य शोधक कामगार संगठन का मुंबई अध्यक्ष हूँ मैं। और फारूक जी के बारे में मैं बता देना चाहता हूं क्योंकि हम दोनों बचपन से रहे हैं, इनका स्वभाव बहुत ही अलग है, अगर कोई महिला हो या और कोई तकलीफ़ में है, और बंगाली संगठन के अध्यक्ष भी है, इनके पास कोई ना कोई हमेशा आता रहता है। फारूक भाई कभी भी आधी रात हो या कभी भी हो, कभी हॉस्पिटल का रहा और कुछ रहा, हमेशा मदद करते रहें। मैं ये एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एक साल हो गया हमें महिला बचत गठ बनाते हुए, एक हमारा महिला शक्ति बचतगढ़ जो चारकोप विधानसभा में काम कर रहा है और दूसरा शक्ति महिला बचतगढ़ जो मालोनी मलाड़ में काम कर रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो महिलाएं हैं बेचारी, करीब मैंने सोचा कि किस तरह से हेल्प किया जाए, तो मैंने खुद भाग दौड़ करके दो महिला बचतगढ़ फिलहाल तो बनाए हुए हैं जिसमें 150 महिलाएँ काम कर रही हैं, उनके रोज़गार के लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किया है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे फारूक खान साहब जी का है। मैं फारूक खान साहब को एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि अगर ये चुन के आते हैं तो सर मेरी एक निवेदन है कि जिस तरह महिलाएं घर के अंदर कपड़े की थैलियां बना रही हैं तो इनको बेचने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अभी हमारा डेली का मॉल, छोटे छोटे मॉल दुकान, जो स्वीट की दुकानें हुए, ये सब जगहों पर माल जा रहा है आप लोग की दुआ से, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ अच्छा करना है, लेकिन उसके लिए हमें सत्ता की ज़रूरत है। मैं तो दुआ करता हूँ कि फारूक खान साहब चुन के आए और सबसे पहली मांग मेरी ये रहेगी कि हमारे चारकोप विधानसभा में छोटे छोटे स्टॉल लगे जो महिला बचत गट के थ्रू हो, जो महिलाएं घर से जो बनाती हैं थैलियाँ, जैसे स्टेनर पैड हुआ, फिर अपना दिवाली के दिए हुए,
और अपना थैली हुआ, अगर घर से हम बनाते तो उसको बेचने का भी एक वो रहना चाहिए, स्पोर्ट रहना चाहिए। तो मैं सरकार से भी ये मांग करूँगा कि अगर है पॉसिबल तो 4x4 का स्टॉल महिला बचत गट को पूरे मुंबई में दिया जाए, जिससे घर का रोज़गार बढ़े और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो ज़रा खुशहाल रहें। बस ये कहना चाहता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि अगर 4 को विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का आमदार चुन के आता है तो मैं और फारूक भाई मिलकर, यहाँ पे महाड़ा की बहुत सी जगह है, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा और दिल से करूँगा और लड़के रहूँगा और यहाँ पे एक महिला बचत गट का एक मार्केट बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम साबरा। तो साबरा जी, क्या कहना चाहेंगी आप फारूक जी को, कितने समय से जानती हैं और जिस तरह से वो राजनीति में आ जाए हैं, आपके आपके बीच एक प्रत्याशी के रूप में आए हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है महिलाओं के लिए, क्या कार्य किया है उन्होंने अभी तक? अच्छे किए, मैं जब से जानती हूं अच्छे ही किए। किस तरह का रोजगार दे पाते हैं, किस तरह का काम उनके उनके साथ आप कर रही हैं? अभी जब तक मैं देख रही हूँ तो अच्छे ही देख रही हूँ, मैं जब से हूँ जब से मैं अच्छे ही देख रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी कि आप किस फारूक जी को कितने वक्त से जानती हैं और किस तरह वो यहाँ के लोगों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो, कभी से न किसी में किसी से झगड़ा लड़ाई किसी में नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और थैली के लिए कि थैली बनाने का स्टार्ट किया तो हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है अच्छे से, उसमें कॉपरेट हो जाता है बच्चों के लिए स्कूल फीस और वगैरह, बहुत सी समस्याएँ हल हो जाती हैं उस समय पर आपको आपका हाँ पेमेंट मिल जाता है। तो क्या लगता है अगर आप उन्हें जिताएंगी तो आगे वो आपके लिए आगे वो अच्छा काम करेंगे, योजनाएं रोजगार आगे अच्छा ही होगा। तो इस बार विधानसभा में आपकी पसंद कौन है? हाथी रहेगा। नाम जानना चाहूँगा। मैं बेबी शेख। क्या कहना चाहेंगी आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में जिस तरह से फारूक खान है, फारूक खान को आप कितने वक्त से जानती हैं और किस तरह का उनका कार्य होता है और खास करके महिलाओं के क्षेत्र में किस तरह का कार्य करते हैं? ऐसा है कि हम लोग महिला बचत गट से हैं और हम लोग के लिए खालिद भाई और फारूक भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, इन्होंने हमें एक साल से ये थैली बनाने का काम दिया है तो इसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा है। मतलब पर डे का हम लोग 100 रुपये का इसमें काम निकाल सकते हैं, 100 से 150 तक का हम लोग का मंथली मतलब 3000 तक निकल जाता है, उसमें हमारे बच्चे का स्कूल का फीस है और कुछ ऊपर से छोटे मोटे काम के लिए पैसे निकल जाते हैं। हम लोग को इन लोग की तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है तो आप खुद को समझ सकते हो, बट ये है कि महिलाओं के लिए चुनाव में आपकी पसंद कौन होगा? जाहिर सी बात है फारूक भाई, जो हाथी है अपना। क्यों वो आपकी पसंद क्यों है? देखो ऐसा है कि जैसे भाजपा कांग्रेस में जो बात है सब बोल, भाजपा है कांग्रेस है, सब पैसे से लोगों को बुलाते हैं और हम लोग पैसे के टट्टू नहीं है, हम लोग के लिए हम हमेशा मतलब सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हुए, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी है ना तो एनी टाइम हमारे लिए हाजिर हो गए। तो हम लोग अपनी खुशी से इनके लिए यही चाहेंगे कि इनको ही वोट मिले, यही आगे बढ़े बस। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।